जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रक ड्राइवर्स के बारे में। तो ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे पहले वीडियो बना चुका हूँ। ट्रक ड्राइवर का जॉब कैसे यूरोप में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। तो अभी न्यूज़ है कि पोलैंड एंड हंगरी दो कंट्री है, जिन दो कंट्री को आने वाले 5 साल में 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स का ज़रूरत है, 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स का। तो 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स ओ कंपनीज ऑलरेडी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं इंडिया से। तो इंडिया से कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी ट्रक ड्राइवर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर चुके हैं टू पोलैंड एंड हंगरी में ट्रक ड्राइवर का सैलरी मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होता है, 1.5 लाख तक सैलरी स्टार्ट में मिलता है। जो वेल एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर है तो उनको स्टार्टिंग सैलरी है 1.5 लाख रुपया, और जो कम एक्सपीरियंस है 1 लाख रुपया। कोई कोई अच्छे कंपनी 2 लाख तक सैलरी देता है पर मंथ। तो लॉन्ग टर्म के लिए जॉब आप कर सकते हो इन हंगरी एंड पोलैंड में। तो ट्रक ड्राइवर के लिए हंगरी एंड पोलैंड में काम करने के लिए आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। आपके पास कोई भी वेस्टर्न कंट्री का, इवन दुबई, कुवैत, सऊदी अरबिया, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज का राइट हैंड ड्राइविंग का आपके पास, क्योंकि इंडिया में हम लोग राइट हैंड ड्राइविंग करते हैं और यूरोप में, अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं। तो इसलिए हंगरी एंड आपका पोलैंड में, यूरोप में काम करने के लिए ट्रक ड्राइवर को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चाहिए। लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करना स्किल होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेलर एंड ट्रक दोनों का एक्सपीरियंस है और आपके पास हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग का लाइसेंस है, दुबई, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, ये जो एरिया कंट्री से आपके पास लाइसेंस है, तो कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन इंडिया के द्वारा आप पोलैंड, हंगरी जा सकते हो। इसके लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के साथ बात करने के लिए और लोकल लोगों के साथ बात करने के लिए आपको थोड़ा लैंग्वेज स्किल चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा बात कर सकते हो और उसके लिए एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, एजुकेशन नहीं चाहिए। तो आप ऑनलाइन में सर्च करते रहिए ट्रक ड्राइवर जॉब्स इन पोलैंड एंड हंगरी, आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में ट्रक ड्राइवर हो और आपके पास दुबई, सऊदी एंड कतर, बहरीन, कुवैत, इन कंट्रीज़ का ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, तो आप इंडियन ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है तो आपको कैसे जाओगे, आप यूरोप में कैसे काम करोगे? इसके लिए आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, अगर आपके पास मिनिमम 10th पास हो तो आप रशिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, ये जो कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इन कंट्रीज में आप लैंग्वेज कोर्स में जाइए। लैंग्वेज कोर्स होता है 1 साल का कोर्स होता है, तो कोई भी लैंग्वेज कोर्स में जाइए। लैंग्वेज कोर्स में जाओगे तो आपको 1 साल का TRP मिलेगा, टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट, और स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा में जब जाओगे तो आप उस कंट्री में पहुँचोगे, तो जिन कंट्री का नाम बता दिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, तो यहाँ का ड्राइविंग स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेना है। जब आप पढ़ाई करोगे लैंग्वेज, यहाँ का ड्राइविंग स्कूल में आपको हैवी ड्राइविंग में ज्वाइन करना है, सीखना है। तो वहाँ का, यहाँ ये जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, ये कंट्री में भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग किया जाता है। तो आप यहाँ का ड्राइविंग स्कूल में ट्रक ड्राइविंग में ज्वाइन कर लीजिए। ट्रक ड्राइविंग का 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीना कोर्स में आपको करीब इंडियन रुपीस में स्टार्टिंग में $500 खर्चा करना पड़ेगा, और करीब आपको 70-80,000 खर्चा हो जाएगा, $1,000 तो खर्चा हो जाएगा। 3 महीना 4 महीना आपको सीखना है, ड्राइविंग सीखना, फिर ड्राइविंग स्कूल आपको लेकर जाएगा, ट्रेनिंग देगा, प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग देने के बाद 3 महीना ट्रेनिंग के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए वो अलाउ करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद आप इन्हीं कंट्री से आपको हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस मिलेगा। जैसे कि आर्मेनिया में कंप्लीट करते तो आर्मेनिया का हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, रशिया में रशिया का, जॉर्जिया का, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तो इन कंट्री में आपको उसी कंट्री का लेफ्ट हैंड ड्राइविंग का हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिलेगा। तो ये एनाफ है, आप इसी लाइसेंस में जाकर यूरोप में, कनाडा में ड्राइविंग का जॉब कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया 1 साल के बाद इंडिया रिटर्न आना चाहते हो, इंडिया रिटर्न आके कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जॉब ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप उसी कंट्री में रहकर वहाँ से जॉब ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसी कंट्री से आप यूरोप में, पोलैंड में और आपका हंगरी में आप जाकर जॉब कर सकते हो। अगर आप
ट्रक ड्राइविंग में जाना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो लैंग्वेज ट्रेनिंग, तो आप हमें बताइए तो हम आपको आर्मेनिया, रशिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में आपको हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देंगे और वहाँ का जो ड्राइविंग स्कूल में एनरोल करा देंगे, तो आप लैंग्वेज के साथ साथ उस वहाँ का ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन करके तो जल्द से जल्द वहाँ का ड्राइविंग का लाइसेंस आपको मिल सके, पर वहीं से आप इजीली यूरोप मूव हो सके एज ए ट्रक ड्राइवर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।